गुड इवनिंग एवरीवन आज के सेशन में सॉयल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे हम और ध्यान रखिएगा ये जितने सारे सवाल लिए गए हैं ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम जे फिजिकल साइंस और ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अगर जे के सवाल हैं तो हमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरिस्ट्री के एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेगा डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इवन इफ सी जी व्यापारीजीओ के व्यापम RHO के तो सिलेबस में भी सॉइल साइंस है अगर आप एग्रीकल्चर टीचर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वहां पर भी सॉयल साइंस है तो इन टोटल कोई भी एग्जाम को आप टारगेट रखे हुए हो दीज क्वेश्चन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक ये जो पहला सवाल है शायद आपको थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा होगा अगेन मैच द फॉलोइंग पर आधारित क्वेश्चन है मैं एक बार पढ़ भी दे रही रहे और लिख भी दूंगी लिस्ट वन में मेथड्स के नाम हैं और लिस्ट टू में दिया है कि ये जो मेथड्स हैं ये किस पर्टिकुलर चीज के एस्टिमेशन या डिटर्मिनेशन में यूज किए जाते हैं सबसे पहला लिस्ट में नाम लिया हुआ है ग्रावी मेथड एंड आई एम श्योर की वॉटर मैनेजमेंट में आप सभी ने ग्रावी मेथड जरूर पढ़ा होगा दूसरा लिखा है हाइड्रोमीटर मेथड दिस इज रिलेटेड टू सॉइल साइंस हाइड्रोमीटर मेथड तीसरा लिखा है ये भी सॉइल साइंस से डायरेक्टली रिलेटेड है वॉकी एंड ब्लैक मेथड वॉकी एंड ब्लैक मेथड एंड लास्ट वन बहुत फेमस मेथड है जेल्डास मेथड तो आइए हम मैच कर लेते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड जो होता है ये हमेशा सॉइल मॉइस्चर के एस्टिमेशन में यूज होता है hydrometer method it is used for the estimation of soil texture wocky and black method estimation of organic carbon and last but not the least we have geldas method jo ki use kiya jata hai for the estimation of nitrogen so very good question why because isme char alag alag methods और वो किस particular चीज के determination में use किए जाते हैं हमको सीखने को मिलता है और gravimetric method तो water management का बहुत फेवरेट सवाल भी है डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इसे नोट डाउन जरूर कर लें खास तौर पे उस पॉइंट को लिखिएगा जो आप नहीं जानते थे आज से पहले Most probably, hydrometer method जो आपने देखा होगा this was a new method. काफी कमी किताबों में इसके बारे में mention किया हुआ होता है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर भी फिर से मैच वाला सवाल है पहले लिस्ट में आपको पैरामीटर नजर आ रहा होगा और दूसरे लिस्ट में यूनिट दिख रहा है ये जो क्वेश्चन है ये कायदे से मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है लिस्ट वन में पहले क्लाउड कवर दिया है सॉइल टेम्परेचर दिया है स्पीड दी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया है और बगल वाले जो कॉलम है उसमें यूनिट्स मैं क्लाउड कवर को जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं इट इज मेजर्ड इन ओक्टास और क्लाउड कवर का जो रेंज होता है दैट रेंज इज बिटवीन जीरो टू एट वहीं अगर मैं चर की बात करूं तो भाई ये सभी को क्लियर है कि जो सॉइल टेम्परेचर हो या कोई भी टेम्परेचर हो इन जनरल हम इसे सेल्सियस में मेजर करते हैं विंड की स्पीड किलोमीटर पर आवर में एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो यूनिटलेस होता है ध्यान रखना आर एच और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ अटलेस क्वांटिटी और इसीलिए क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है हम इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं ध्यान रखिएगा परसेंटेज इज नॉट अ यूनिट ऐसी कोई भी चीज जिसका यूनिट नहीं होता इन जनरल हम उन सारी चीजों को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कमिंग टू दर्ड क्वेश्चन एंडोसल्फान बिलोंग्स टू विच ग्रुप नाउ इज दिस एंडोसल्फान तो एंडोसल्फान इज एन इंसेक्टिसाइड और सवाल में पूछा गया कि बताइए ये किस ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड में आता है तो दिस कम्स अंडर ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनोक्लोरीन में डीडीटी भी आता है इसके अलावा bhc आता है यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड सो दिस वाज एंडो सल्फान व्हिच बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो क्लोरिनस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस पर आधारित सवाल है बट कौन से पेपर में कब किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कैसा सवाल आ जाए ये कोई कंफर्म नहीं होता है तो बेहतर है कि हम इन सारी चीजों को पहले से ही तैयार रखें सवाल है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनएक्टेड इन विच ईयर तो आपको बता दूं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट विच इज आल्सो नोन एज ईपीए इसको इनएक्ट किया गया था 1986 में इसी तरह से सीड एक्ट सीड एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीड टेक्नोलॉजी में ये आया था 1966 में और ये एनफोर्स किया गया इन द ईयर 1969 लास्ट पॉल्यूशन अगर हुआ हो तो ये हमारे बॉडी के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किडनी ब्रेन हार्ट या teeth सो द करेक्ट आंसर इज टीथ और यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें सीख लेना चाहिए हॉर्टिकल्चर बेस्ड किसी भी एग्जाम के लिए दिस पॉइंट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये कि फ्लोरीन पॉल्यूशन का इंडिकेटर प्लांट इंडिकेटर प्लांट कौन होता है तो आपको मैं बता दूं कि फ्लोरीन पॉल्यूशन का इंडिकेटर प्लांट इज विच इज अ फ्लावर एंड इसकी फैमिली होती है इरिडेसी सो so ये थे करीबन पांच बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड डू लाइक वीडियो थैंक यू सो मच